आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के जालसाजी मामले में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया है कि इस मामले में कुल 5 लोगों को नामजद किया गया है, वहीं 4 लोगों की गिरफ्तारी ईओयू की टीम ने कर ली है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आईपीएस आदित्य कुमार अभी भी इस मामले के बाद फरार चल रहे हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल सभी जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जहां से मोबाइल खरीदा गया था, पटना सिटी से एक मनीष कुमार नाम के युवक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अगर बात करें हम तो कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक ईओयू की टीम ने कर ली है। आगे आदित्य कुमार आईपीएस की भी तलाश जारी है। आइए सीधे इस मामले पर सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार। गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के पास से भी मोबाइल और सिम सहित जब्त किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कांड में नामजद अभियुक्तिकरण में श्री आदित्य कुमार जो पदाधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक रैंक के, उनको भी नामजद किया गया है। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अधिकतर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों को पुनः रिमांड पर लेकर उनकी फॉरेंसिक जांच करने, जो अभी तक सामान जब्त हैं उसकी डिजिटल फॉरेंसिक करने या जो भी तकनीकी साक्ष्य हैं एकत्रित करने, उसकी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान के क्रम में अभी तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे हैं। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 2021 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित रहे हैं। अब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि उस पुराने आरोप पत्रित कांडों में जहां तक संभव है इनको शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराने के बाद इनको सजा दिलाई जाए और इनके पुराने मामलों में जहां तक संभव होगा बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नया मामला अब इनके खिलाफ में दर्ज हुआ है उसमें भी अब त्वरित अनुसंधान करके हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम कार्रवाई कर रही है। आदित्य कुमार की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? आदित्य कुमार की क्या भूमिका थी, किस तरह से वो इन लोगों को लीड कर रहे थे? आदित्य कुमार इस पूरे प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं और अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उससे ये स्पष्ट होता है कि आदित्य कुमार ने इसमें षड्यंत्र की पूरी भूमिका निभाई है और अब आर्थिक अपराध इकाई प्रथम दृष्टया उनको आरोपित मानकर आगे की कार्रवाई करेगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से ईओयू की पूरी टीम जो है इसको खंगालने में जुटी है, 5 सदस्यीय टीम अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं इस मामले की पड़ताल में जुट गई है और जल्द ही आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को भी गिरफ्तार करने की कवायद ईओयू की टीम की जारी है। पटना से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अनिल, लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।